बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो जब कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर ले, नतीजे में जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो पहला डेरिवेटिव है एसिड हैलाइड्स, ये जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OX, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ये कैसे प्रिपेयर होता है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करें इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्लोरीन यहां और ये OH इसकी जगह पे, यानी SN रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इससे बनेगा एसीटाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्सी थायोनाइल क्लोराइड। क्लोरीन यहां, OH यहां, तो ये हाइड्रोक्सी थायोनाइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है, टूट के हाइड्रोजन और क्लोरीन बनाएंगे HCl और ये दूसरा है SO2। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ट्रीट करें PCl5, ये भी SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन यहां और ये OH उस क्लोरीन की जगह पे चला जाए। CH3 C डबल बॉन्ड OCl, क्लोरीन यहां आया, कितने क्लोरीन बाकी रह गए हैं, 4, और ये OH उस क्लोरीन की जगह पे, इसका नाम है हाइड्रोक्सी फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। ये भी स्टेबल नहीं होता, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलके HCl बनाएंगे और बाकी क्या बचा, फास्फोरस ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, इसे कहते हैं फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड। तो ये दो इस एसिड हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस एसिड हैलाइड की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस, तो एसिड हैलाइड यानी एसीटाइल क्लोराइड साथ में वाटर हाइड्रोलिसिस पे ये वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा और साथ में HCl भी बने।
ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये यहां आया और ये इसकी जगह पे चला गया। और दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये वही बेंजीन वाला रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अगर हम बेंजीन और एसीटाइल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में या आयरन क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्ट करें, तो ये यहां आएगा और ये इसकी जगह पे जाएगा, HCl बनेगा और साथ में एसीटोफिनोल। तो आपने देखा कि ये एसिड हेलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से बना, किस रिएक्शन के थ्रू? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। कार्बोक्सिलिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया गया, क्लोरीन यहां आया, OH इसकी जगह पे चला। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट किया गया, क्लोरीन यहां आया और OH इसकी जगह पे चला गया, तो एसीटाइल क्लोराइड बना और हाइड्रोक्सी फास्फोरस टेट्राक्लोराइड जो स्टेबल नहीं है टूट गया। तो ये दो इस एसिड हेलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और दो इसी की प्रॉपर्टीज। बुक में ये बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दिए गए हैं। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक जगह पे है और फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तीन चार पेजेस दिए गए हैं, तो मैंने प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज इकट्ठे लिखे, आप जब ऐसे याद करोगे तो आसान होगा। एसिड एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा डेराइवेटिव। एनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट वाटर, वाटर के बगैर। एसिड एनहाइड्राइड से मुराद है अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर को निकाल दें तो जो चीज बाकी बचती है उसे एनहाइड्राइड कहोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। वाटर कैसे रिमूव करोगे? तो वाटर खुद रिमूव नहीं होगा, रिमूव करने के लिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करोगे। इसे हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इनकी मौजूदगी में सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप हीट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर उड़ जाएगा और जो चीज बाकी बचे उसे एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। प्रिपरेशन को हम यू रिप्रेजेंट करेंगे, ये एस
acetic acid, ethanoic acid. ये एक दूसरा acetic acid. इसे appropriate temperature तक heat करवाना है इसकी या इसकी मौजूदगी में. तो ये आपस में मिलेंगे, बनाएंगे water और ये बाकी आपस में मिल जाएंगे. तो यहां से शुरू करें कि क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर ये C इस ऑक्सीजन के साथ और ये ऑक्सीजन इसके साथ, ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना साथ में वाटर. तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर को निकाल ले, जो चीज बनती है उसे कहोगे एसिड एनहाइड्राइड. जैसे ये पर्टिकुलर एसिटिक एनहाइड्राइड आल्सो कॉल्ड इथेनोइक एनहाइड्राइड. इसकी एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है, और वो है इसका हाइड्रोलिसिस. मतलब हाइड्रोलिसिस का, अगर इस एसिटिक एनहाइड्राइड में हम फिर से वाटर डाल दें तो ये वापस इस कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा. हाइड्रोलिसिस इसकी ये एक ही केमिकल प्रॉपर्टी कोर्स में है. हाँ, ये एसिटिक एनहाइड्राइड और इसमें हम ये रिएक्शन करने जा रहे हैं, हाइड्रोलाइज करना चाहते हैं. तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसके साथ, जबकि ये इसके साथ मिलेगा और इस रिएक्शन के नतीजे में फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे. तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे. इससे पहले जो हमने एसिड हैलाइड पढ़ा था, एसिड हैलाइड, वहां पे भी एसिड हैलाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था और एसिड एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का तीसरा डिराइवेटिव और वो है एस्टर. एस्टर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एसिड हैलाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और एसिड एनहाइड्राइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तीनों से. किन किन चीजों से? कार्बोक्सिलिक एसिड से. ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैलाइड और ये एसिड एनहाइड्राइड. एस्टर हम किन किन चीजों से प्रिपेयर कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से भी
एसिड हैलाइड से भी और एसिड एनहाइड्राइड से भी, तीनों से। अगर किसके साथ इन्हें ट्रीट किया जाए, अल्कोहल के साथ या अल्क ऑक्साइड के साथ, विद अल्कोहल और विद अल्क ऑक्साइड, इसे भी अल्कोहल के साथ ट्रीट करें इसी तरह, या अल्क ऑक्साइड के साथ, और इसको भी अल्कोहल यानी अल्क ऑक्साइड के साथ या अल्क ऑक्साइड के साथ ट्रीट करें। तीनों से सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक ही तरीका है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एसिड हैलाइड हो, एनहाइड्राइड हो। किन के साथ ट्रीट करवाना है? अल्कोहल के साथ। ये एथॉक्साइड यहां आएगा और ये OH इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। ये रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। इससे पहले ये हम अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये सेम रिएक्शन हम अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस पे हमने एक लेंथी एक्सप्लेनेशन की थी कि एस्टर नेचर में कहां पे पाए जाते हैं, फ्रूट्स में। हर फ्रूट का अपना टेस्ट, अपना फ्लेवर होता है और उसकी वजह होती है एक खास किस्म का एस्टर जो उसमें पाया जाता है। एप्पल का एस्टर बनाना के एस्टर से मुख्तलिफ, मैंगो के एस्टर से मुख्तलिफ, इस तरह आर्टिफिशियल फ्रूट फ्लेवर्स बिल्कुल इस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के थ्रू तैयार किए जाते हैं। तो ये वाला रिएक्शन भी बिल्कुल इस ऊपर वाले रिएक्शन जैसा, एथॉक्साइड यहां और ये क्लोरीन इसकी जगह, यानी यही सेम चीज बनेगी। साथ में HCl और ये भी बिल्कुल इसी तरह ही, ये यहां आएगा और ये इसके साथ, तो एस्टर बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड एक जैसे रिएक्शन। इन रिएक्शंस को कहते हैं, दूसरा नाम इनका है अल्कोहोलाइसिस। तो अल्कोहोलाइसिस के नतीजे में, अल्कोहोलाइसिस मींस वो रिएक्शन जिसमें अल्कोहल स्प्लिट हो जाए। अल्कोहोलाइसिस के नतीजे में क्या बना? एस्टर, एस्टर और एस्टर। ये अल्कोहोलाइसिस रिएक्शन याद रखना है। ये आगे जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेराइवेटिव्स की रिलेटिव रिएक्टिविटी पढ़ेंगे तो वहां पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके अल्कोहोलाइसिस से ये एस्टर बनते हैं। ये स्पेशली ये दो रिएक्शन याद रखें। इसकी प्रॉपर्टीज, तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। वन इज हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन एंड रिएक्शन विद ग्रिग्नाट्री एजेंट। तो एस्टर को अगर हम हाइड्रोलाइज करें, what we will get? We will get carboxylic acid again, और साथ में अल्कोहल भी।
अच्छा, इससे पहले जो दो डेराइवेटिव्स थे एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड, उन दोनों के हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो हाइड्रोलिसिस में एस्टर, यही ऊपर वाला एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन या अल्कोहलाइसिस अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में लिखो, दिस इज एस्टर, और इसका हाइड्रोलिसिस, एस्टर के हाइड्रोलिसिस को हमेशा किस मीडियम में करोगे? बेसिक मीडियम में। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, और ये रिएक्शन एक्चुअली सपोनिफिकेशन कहलाता है। तो ये यहां और ये इसके साथ, ये यहां और ये इसके साथ, सो वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो एसिड हैलाइड के हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एसिड एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और एस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी। दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन, इसका रिडक्शन भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करोगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन भी इसी के साथ करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, इसके रिडक्शन से भी प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है। एस्टर के रिडक्शन में और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में दो बातें कॉमन है, दोनों को इसके साथ रिड्यूस करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। एक ये, दोनों के हाइड्रोलिसिस से प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि एस्टर के रिडक्शन से दो अल्कोहल मॉलिक्यूल, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से सिर्फ एक अल्कोहल मॉलिक्यूल बनता है। ये एस्टर ये वाला पोर्शन इथानोल में रिड्यूस होगा, और ये वाला पोर्शन भी इथानोल। अगर यहां पे CH3 हो तो फिर ये मीथानोल देगा, ये मीथानोल सॉरी इथानोल, और ये भी इथानोल। कुल कितने हाइड्रोजन चाहिए? चार हाइड्रोजन। चार कैसे? देखो, दो हाइड्रोजन इसके साथ और एक इसके साथ, और ये डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा, CH3 दो हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये CH2 और एक हाइड्रोजन इसके साथ OH इथानोल बना, और ये दूसरा एंड देके एक हाइड्रोजन इसके साथ, ये भी इथानोल है, तो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल बन गए। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एक प्राइमरी अल्कोहल,
एस्टर के रिडक्शन से दो प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। तो रिडक्शन के एतबार से कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ए जैसे एस्टर का ये आखिरी रिएक्शन विच इज रिएक्शन विद ग्रिग्नेट्री एजेंट। ये रिएक्शन हमने ग्रिग्नेट्री एजेंट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था और फिर यही रिएक्शन हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन में भी पढ़ा था। ग्रिग्नेट्री एजेंट मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जब नॉन फॉर्मेट एस्टर के साथ रिएक्शन करे तो इस रिएक्शन से बनता है कीटोन और वो कीटोन फिर ग्रिग्नेट्री एजेंट के साथ रिएक्शन करता है और टर्शरी अल्कोहल बना। फिर से सुनिए, ग्रिग्नेट्री एजेंट जब नॉन फॉर्मेट एस्टर के साथ रिएक्शन करे, नॉन फॉर्मेट एस्टर ये अगर यहां हाइड्रोजन हो तो फिर ये फॉर्मेट एस्टर कहलाएगा। तो ये नॉन फॉर्मेट एस्टर के साथ मिलके कीटोन बनाता है और वो कीटोन फिर से ग्रिग्नेट्री एजेंट के साथ मिलके टर्शरी अल्कोहल बनाता है। तो मैं इनको एक ही स्टेप में लिख देता हूं, ये यहां और ये इथॉक्सी यहां। इथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड और साथ में कीटोन। ये कीटोन जो वहां बना ये फिर से ग्रिग्नेट्री एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये मिथाइल इस कार्बन के साथ MgI ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड चेंज होगा सिंगल बॉन्ड में। और इसको अगर हम ये एक एडिशन प्रोडक्ट बना, इसे कहते हैं अल्कोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। इसे अगर हम हाइड्रोलाइज करें एसिड की मौजूदगी में तो ये हमें टर्शरी अल्कोहल देगा। और इसके साथ ही ये ग्रिग्नेट्री एजेंट के साथ इसका रिएक्शन रुक जाएगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो हमने इसकी तीन केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, कौन कौन सी, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन और ग्रिग्नेट्री एजेंट के साथ रिएक्शन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आखिरी डिराइवेटिव अमाइड फार्मूला है RC(OOH)2 और ये इसका फंक्शनल ग्रुप। इसको हम एसिड हैलाइड से, एस्टर से और एनहाइड्राइड से डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं बाय अमोनोलाइसिस, लेकिन इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते। अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का वो डिराइवेटिव है
जो हम एसिड हैलाइड से, एस्टर से और एसिड एनहाइड्राइड से डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता। अच्छा, किस रिएक्शन के थ्रू? अमोनोलाइसिस के थ्रू। अमोनोलाइसिस उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें अमोनिया स्प्लिट हो जाए H प्लस में और NH2 माइनस में। तो ये देखो, ये NH2 यहां आएगा और ये क्लोरीन यहां, और बिल्कुल इसी तरह ये NH2 यहां आएगा और ये जो इथॉक्सी है ये इस हाइड्रोजन की जगह पे, एंड अगेन एग्जैक्टली ये यहां और ये जो एसीटेट है ये वाला, ये इस हाइड्रोजन के साथ। तो प्रोडक्ट लेके CH3 C डबल बॉन्ड ओ एन एच टू प्लस एच सी एल, यहां पे भी अमाइड और अल्कोहल, ये और ये जब आपस में मिल जाए तो इससे अल्कोहल बनेगा, और ये यहां आया तो अमाइड बनेगा और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखा कि अमोनोलाइसिस के थ्रू ये डायरेक्टली बना, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ये डायरेक्टली नहीं बनता। ये एसिड है, ये बेस है, पहले ये बनाएंगे साल्ट और फिर इस साल्ट को अगर हम हीट करेंगे तो ये वाटर लॉस करेगा और अमाइड बना, वाटर लॉस करेगा और अमाइन बनाएगा। आपने देखा कि ये तीनों डेराइवेटिव से डायरेक्टली बनता है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, पहले ये साल्ट बनाते हैं और ये साल्ट फिर डिकम्पोज होके अमाइन बनता है।